आइए बाबा, आइए आइए बाबा। बाबा, हमारे घर में एक बड़ा खतरनाक प्रेत है, उसको भगा दीजिए। फिकर मत कर बच्चा, मैं हूँ तीर बाबा, भूत भगा कर बनूंगा अमीर बाबा। मैं हूँ पीर बाबा। जय हो पीर बाबा की। हट जाओ बच्चा, ओवन में बर्गर जलने दे, बाबा को मंत्र करने दे। अदा बांधो पला बांधो कला बांधो, भूत बांधो कला बांधो, प्रेत बांधो नाड़ा बांधो, कंजूसिंग बांधो। और संकेत, कैसे याद किया? आइए सर। गुरुकुल में तो तुम टॉपर थे, यहां किन नमूनों के साथ लग गए? ये नमूना किसको बोला? अरे नहीं सर, मैं यहां मजबूरी में आया हूं, पैसों की थोड़ी तंगी थी, और वैसे भी मेरा ये लास्ट ईयर है, अगले साल तो मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और वहां भी तुम टॉप ही करोगे? संत श्री आशाराम जी बापू गुरुकुल के कमल चाहे कैसा भी कीचड़ हो खिलकर ही रहते हैं, यही तो पूज्य गुरुदेव की सीख है। क्या ये आशाराम बापू के गुरुकुल से? रुकिए सर, उसी कमरे में प्रेत आत्मा है। तेरा दिल सर भी तो गया। रुको अभी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। आपका अंदाज अभी तक बदला नहीं है? मेरा अंदाज तो नहीं बदला,
पर देश का अंदाज जरूर बदल गया है। कुछ समझा नहीं सर, प्लीज समझाइए ना। आओ बैठो बैठो। जान निकालो। देखो, पहले तो मैं अंदर गया और थोड़ी छानबीन की। वहां पर एक टेबल पर एक लैपटॉप था। उस लैपटॉप के डेस्कटॉप पर द कंजूसिंग मूवी थी। उस द कंजूसिंग मूवी वाले प्रेत ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया, पर मेरा कुछ बिगाड़ ना पाया क्योंकि मेरे पास ओमकार युक्त गुरु मंत्र की पावर है और ये भूत प्रेत आदि ओमकार युक्त गुरु मंत्र के जापक को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। बस समर्थ सदगुरु से मिला होना चाहिए। फिर मैंने थोड़ा सा आज्ञा चक्र पर ध्यान किया तो मुझे इस रूम की सारी हिस्ट्री दिख गई। उस कमरे में एक लड़का था जो हॉरर मूवी देखते देखते मर गया। फिर उसी हॉरर मूवी के प्रेत का रूप उसने आखिर में ले लिया और अब उसी की प्रेत आत्मा उस कमरे में उस रूप में भटक रही है। इस घर के मालिक, जिनका वो लड़का था, हिंदू होते हुए भी सनातन धर्म को नहीं मानते होंगे, इसलिए उस लड़के का श्राद्ध नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो लड़का प्रेतात्मा बनकर उस कमरे में भटक रहा है। मान गए सर आपको, आज तक आपके अलावा उस कमरे से कोई भी सही सलामत वापस नहीं आ पाया है। हम लोग को उस प्रेत से मुक्ति कैसे मिलेगी? अब भी तुम नहीं सुधरे। तुम लोगों की लापरवाही के कारण आज भी वो लड़का मुसीबत में फंसा है। चंद पैसे बचाने के चक्कर में तुमने आज उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। खैर, शायद यही नीति होगी। अब उस प्रेत की मुक्ति का समय आ चुका है। शायद यही ईश्वर की इच्छा हो। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज से ठीक 6 दिन बाद सर्वपितृ अमावस्या होगी। हमारे सनातन धर्म में चींटी से लेके हाथी पर्यंत के सभी जीवों की सदगति के लिए श्राद्ध करने का विधान है। तो इस सिद्धांत और वैदिक पद्धति के अनुसार तुम लोग उस लड़के का श्राद्ध करो, पूरी विधि से श्राद्ध करो, उस प्रेतात्मा की सदगति हो जाएगी। पर सर, ये सब तो कैसी दकियानुसी बातें हैं। I mean, श्राद्ध करने से किसी की सदगति कैसे हो सकती है? यही तो विडंबना है। जहां विदेशों में भी लोग भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और वहीं हमारे भारतीय लोग अपनी ही संस्कृति को दकियानुसी कहते हैं। हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टालोन का मरा हुआ बेटा उसे सपने में दिखता था। उसने भारतीय संस्कृति के अनुसार भारत में आकर श्राद्ध करवाया। उसके बाद वो उसे सपने में दिखना बंद हो गया और यहां तुम जैसे एमए फेल और फोर्थ ईयर में फंसे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही लोगों के कारण इन प्रेतात्माओं की संख्या बढ़ रही है। और तो और, तुम जैसे स्वार्थी लोगों के कारण ही पिछले 11 वर्षों से सनातन धर्म के संरक्षक, युग प्रवर्तक संत संत श्री आशाराम जी बापू इन झूठे अफवाहों के कारण जेल में बंद हैं। वे तो संत महापुरुष हैं, उन्हें तो जेल का कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हर नागरिक, समाज, देश व संस्कृति को इसका नुकसान उठाना पड़ता है और यह आने वाला समय ही बताएगा। नहीं सर, हम लोग अब श्राद्ध विधि को जरूर करेंगे। और कोई चारा भी तो नहीं है? तो आज हम सब इस घर में जो पीड़ित प्रेतात्मा उपस्थित है उसकी सदगति के लिए पूरे तन मन धन से हम ये विधि संपन्न करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। ये आपके सामने जो पिंड है उपस्थित, अब हम इन पिंडों का पूजन करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। सभी दिवंगत आत्माओं के लिए और इस घर में जो पीड़ित आत्मा उपस्थित है उस सहित सभी दिवंगत आत्माओं की सदगति के लिए हम शुभ संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, हमारे इस श्राद्ध तर्पण से आप संतृप्त हो, आप इसे ग्रहण करें और आप अपने आगे की गति को प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना हम आपके लिए करते हैं। हरिओम मा, हरिओम मा, हरिओम मा। जैसा कि वर्तमान समय है, मैकौली शिक्षण पद्धति के कारण अधिकतर हिंदुओं को भी इस श्राद्ध विधि की महिमा का पता नहीं है, परंतु संत श्री आशाराम जी आश्रम द्वारा जो ये सत्साहित्य प्रस्तुत किया गया है श्राद्ध महिमा नाम का, इसमें सविस्तार पूरी श्राद्ध विधि बताई गई है। क्यों करना चाहिए, उसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है, वो सब हमको इसमें मिलेगा। और जैसा कि सर्वपित्री अमावस्या व महालय श्राद्ध की तिथि को सभी संत श्री आशाराम जी आश्रमों में
सामूहिक श्राद्ध विधि की जाती है, जिसका लाभ आप सभी अवश्य उठाएं। तो ये मैं चाहूंगा कि ये साहित्य आप भी पढ़ें, अपने परिजनों को भी पहुंचाएं। ये लीजिए। श्राद्ध जैसा कल्याण मार्ग गृहस्थी के लिए और क्या हो सकता है। विष्णु पुराण में कहा कि पितृगण हीन, जो पितृगण का पूजन या पितृगण को नहीं मानता वो पितृगण हीन। ब्रह्मा इंद्र रुद्र अश्विनी कुमार सूर्य अग्नि और अष्टवसु वायु ऋषि और मनुष्य पशु पक्षी सरीसृप समस्त प्राणी उसके सत्कृत्यों से संतुष्ट नहीं होते, स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो पितृ पूजन आदि करता है उस पर इन सभी की प्रसन्न दृष्टि रहती है। मार्कंडेय पुराण में आया है कि जिस देश में जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता वहां वीर निरोग और शतायु पुत्र आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। श्राद्ध के छोटे मोटे 96 अवसर हैं, उसमें भी 15 दिन की तिथियां अश्विनी मास की, कृष्ण पक्ष की, पितृ श्राद्ध पक्ष की विशेष मानी जाती। आपका एक साल बीतता है तो पितृलोक का एक दिन होता है। तो साल में एक बार ही आप करते हैं तो वो लोग तृप्त हो जाते। श्राद्ध से पिता माता दादा दादी नाना नानी कुल खानदान के लोगों को तर्पण देने से उन्हें तृप्ति होती है। आप लोगों ने मेरा साथ कर दिया है जिससे मेरी प्रेत योनि से संतुष्टि होती है। आप अपने दोस्तों को भी मेरा धन्यवाद कहें।